हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे नए एपिसोड के साथ में आप सबके सामने फिर से तैयार हूँ, यानी कि नई अवेयरनेस और नई सारी सब चीजें। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा हम लोग काफी टाइम से बहुत सारी चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। सोशल अवेयरनेस है इसमें, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्हीं सब की कड़ी में आज एक नई कड़ी जोड़ते हुए दोस्तों, यस आज मैं जिनके साथ आपसे मिलवाने वाली हूँ, जिनसे आपको बातें करवाने वाली हूँ, वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे डॉक्टर साहब जी हैं। जी हाँ, हमारे रविंद्र प्रजापति जी। डॉक्टर साहब कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ दीपा जी, थैंक यू आपको आने के लिए, और जो आप इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम चलाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, स्पेसिफिकली जो अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं समाज में, और हर एज ग्रुप को मैं देखता हूँ आप ट्राई करते हैं कवर करने के लिए, एक ये बहुत अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये मैं पर्सनली भी फील करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मोटिवेशनल वर्ड कोई बोलता नहीं है, जो कि आप जनरली अपने हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिससे लोग एटलीस्ट फील गुड की फीलिंग उनके मन में आए, और वो सुन करके, वो जान करके वो लोग अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम सब की लाइफ में कुछ अप एंड डाउन होते रहते हैं। होते रहते हैं, बिल्कुल सही था। और आपका जो वर्ड है वो मिरेकुलस है, लाइक उसमें एक जादू जैसा oh my God, है, सच्ची। तो सुन करके आप सभी, मतलब हर कोई उसका फायदा ले सकता है, क्योंकि आप बहुत डेफ्त बातें बताने की कोशिश करते हैं, वो भी हंसते मुस्कुराते और अच्छे से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और आप मेरे से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और आप जिस तरीके का एक नोबल काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब सर ने तो मेरी इतनी तारीफ कर दी, और मतलब सच बताऊँ तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को ऐसे अप्रिशिएशन मिलता है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो खुशी की बात होती है वो होती है कि कहीं ना कहीं आप समाज में थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, और लोगों की जिंदगी में थोड़ी आप वैल्यू एड कर पा रहे हो। सर आपने जो इतनी बड़ी बात बोली, मैं सचमुच आपने मेरा जो मैं काम कर रही हूँ उसमें सच्ची बहुत मुझे खुशी मिल रही है। मुझे लग रहा है कि शायद हम में से बहुत सारे लोग अगर निकल के आए तो चीज़ें और भी ज़्यादा बदल सकती हैं, चेंजेस आ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो ये बेबाक बातचीत शो है उसमें मैं हर बार कोशिश करती हूँ नई नई चीज़ें लेके आने के लिए, तो इस बार जो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है आपको पता ही चल गया, अगर शुरुआत ही इतनी ज़बरदस्त हुई धाकड़ वाली एकदम, तो यस दोस्तों चलिए आगे बातें करते हैं सर के साथ में। लिस्ट आप के शो में जो मैंने देख के सीखा है वो बच्चों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, बुजुर्ग लोगों के लिए भी है, वर्किंग क्लास के लिए भी है, नॉन वर्किंग क्लास के लिए भी है, जैसे बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं, तो इवन कुछ प्रोग्राम आप जो हाउस वाइफ हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए, एज इज जस्ट अ नंबर, सिर्फ काम करना है कर सकते हैं। इवन कुछ आप देखता हूँ मैं, जैसे कि कविता वगैरह भी होता रहता है, टाइम टू टाइम आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप भी बहुत बढ़िया कवि हैं, कवि प्रजापति जी हैं हमारे ये। ऐसे चीज़ें हमारे समाज में मैं सोचता हूँ पर्सनली बहुत जरूरी है, और आप एक रोल मॉडल हैं, मैं तो कहूँगा कि इंडिया से आके आप यहाँ पीजे में इतने डेडिकेशन के साथ जो ये काम कर रहे हैं, हो सकता है आपसे इंस्पायर्ड होके और भी कुछ लोग ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पे इतने सारे चैनल्स, इतनी तरीके की चीज़ें हैं, और उनमें से आप जैसे लोग इतना अच्छा जब काम करते हैं, तो एक्चुअल में ये लगता है कि भारतवासी जहाँ कहीं जाते हैं वो अपना ही खाली ध्यान नहीं रखते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के आसपास के सभी लोगों के लिए बेटर इन्वायरमेंट, बेटर प्लेस, बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ करने की कोशिश करते रहते हैं, और इसीलिए शायद मुझे लगता है जो आप अपने इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे लोग अच्छे से अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स अप एंड डाउन्स जो कि हमारे साथ किसी के लाइफ के हिस्से हैं, होते रहते हैं। सही बात, तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं दीपा जी, और सर जी बहुत बहुत थैंक यू। वैसे हमारी संस्कृति में भी तो ये कहा ही गया ना, हमें सिखाया गया इस चीज को ना कि वसुदेव कुटुंबकम, तो पूरा जो संसार है वही हमारा घर है, तो हम चाहे कहीं पर रहे, मैं दोस्तों इंडिया से हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, मतलब इंडिया से, बट यहाँ आने के बाद में मैंने किसी भी जगह पे मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ
कि मैं इंडिया से दूर हूँ, एक तरह से मिनी इंडिया। यहाँ के जितने लोग मुझे मिले सबने मुझे भरपूर प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है दोस्तों। मैं मतलब चाहती थी दिलो जान से कि जाने से पहले ना मैं अपनी तरफ से जितना हो सके ना, हालांकि लौटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती थी कि यहाँ के लोगों के लिए मैं दिल से काम करूँ। और ये मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ दोस्तों आपसे, मुझे दिल ही ख्वाहिश थी इस चीज़ के लिए कि मैं पीजी के लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है ना, मैं दिलो जान से चाहती थी कि मैं भी अपनी तरफ से उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो ये सब चीजें अगर इफेक्ट डाल रही, कहीं ना कहीं लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, वैल्यू एड हो रही है उनकी लाइफ में, तो ये मेरे लिए इससे बढ़ के तो शायद कोई ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। हमारे देश में जैसे मैं ये फील करता हूँ कि जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम है, लोग लोनलीनेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। ओह माय गॉड, दोस्तों हम मेंटल हेल्थ को लेके बातें कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनना सारी चीजें। तो अब उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम को लोग देखेंगे जानेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ खुशी मिलेगी, क्योंकि वो सुसाइड करने के पीछे एक रहता है कि कुछ ना कुछ उनको दुख है, दुख लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, और ऐसी है जो उनसे बियर नहीं हो पा रही। करेक्ट, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ का एंड कर लेते हैं। जी जी जी। बट जो इस तरीके से आप बातें बताते हैं कि कैसे आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी डील कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जैसे ग्रेट है, वो सबको हील कर बिगेस्ट एंटीसेप्टिक। हाँ, टाइम इज द बिगेस्ट एंटीसेप्टिक। राइट, एंड गॉड भी जो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अगर इंसान, हर आदमी अपने चाहेगा कि मेरी दुख तकलीफ प्रॉब्लम दूर हो जाए, चाहे जो भी है, जॉब से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है, या अड़ोसी पड़ोसी है, या हमारा कभी एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे नहीं बनते हैं, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वर्क प्लेस है, होम है, कहीं भी, तो उसका समाधान हो सकता है और है। तभी बोलते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल, हर समस्या का समाधान है। करेक्ट, जस्ट कि आपके जैसे लोगों की और मुझे लगता है जरूरत है समाज को, जो इस तरीके का अवेयरनेस क्रिएट करें और बताएं कि हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं है। बिल्कुल है। तो कोई भी अगर डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी हो रहा है, लाइफ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको लगता है कि नथिंग इज गुड अराउंड हिम, और तो वो चेंजेज के लिए कोई नहीं मिलता है, तो मैं कहूंगा दीपज को ही जाके मिलो। ठीक है ना? नहीं, वैसे मैं बताऊँ आपके थ्रू, एक्चुअली मैं लोगों की काउंसलिंग भी करती हूँ काफी सारे, जैसे इंस्टाग्राम पे और यहाँ वहाँ से बहुत सारे बच्चे भी आते हैं जो काफी सारा ना ये सब जो प्रॉब्लम्स लेके, रिलेशनशिप लेकर और सब लेके कहीं ना कहीं खुद को ना स्टक फील करते हैं, तो मैं उनको भी अगर हेल्प करती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई समस्या हो तो यस प्लीज आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स की अभी भी बहुत कमी है। अच्छा। और कहीं ना कहीं से एक स्टिग्मा भी अटैच्ड है, तबू भी है कि अगर कोई किसी से जाके पता चला तो फिर लोग क्या सोचेंगे, क्या जानेंगे। जी, मैं इसमें एक छोटी सी बात कहती हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी फील होता है ये चीज का, जैसे कि शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है, बुखार होता है, सर्दी खांसी होती है, सिर दर्द होता है, तो उसी तरह से अगर हमें मेंटल अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उसको हम लोग दोस्तों ऐसा नहीं समझे कि लोग क्या कहेंगे, कल को पता चल गया तो लोग ये कहेंगे। अरे नहीं, एक नॉर्मल जैसे हमारे शरीर में बीमारी है उसी तरह से ये चीज है, तो उसको भी हमें एटलीस्ट ट्रीट कर लेना चाहिए। तो लोगों की ये सोच को भी हमें चेंज करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही दीपक जी, जो आप बता रहे हैं मैं एग्री करता हूँ कि आदमी को देखिए बुखार होता है तो छूट पता कर लेता है और जाके इसे डॉक्टर से दवाई ले लेता है, घर पे किसी को बोल के लेता है, कोई फ्रेंड्स रिश्तेदार है उससे बात कर लेता है, इवन खुद वो विजिट करके किसी फार्मासिस्ट शॉप पे वो खुद मेडिकेशन जाके बात करके लेकर के आ जाते हैं। जनरली सेल्फ मेडिकेशन अलाउड नहीं होता है, कभी कभी उसके साइड इफेक्ट पड़ते हैं तो, बट हाँ हमें मालूम चल जाता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं। कहीं पेन होता है हमें बॉडी में, किसी तरीके का बैक पेन है या हैंड एंड लेग पेन है, आइस पेन है, टूथ पेन है, कुछ भी, तो ये कि हमें कुछ ना कुछ मेडिकेशन और वो मिल जाता है। राइट, ऐसे ही जैसे हमारे को हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमें किसी चीज की तकलीफ हो गई है, जैसे कल बार आप देखते हैं स्टूडेंट्स में आप सबसे ज्यादा देखते हैं सब चीजें, स्टूडेंट्स फील होती है आपको? हाँ, स्टूडेंट्स में भी मैं ये देखता हूँ कि उनको कभी कभी फाइनेंशियल जैसे एक प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से वो क्या है, क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं। अब उसमें मैंने देखा कि वो हेजिटेट करते हैं किसी से मांगने, जबकि हम देखें अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो $1, $2, $10 तक भी दे देते हैं, अच्छा चलो क्योंकि पढ़ने जा रहे हो तो नोबल कॉज
की वजह से उसको कर देते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए कि इतने सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट करती है और सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल भी है। मैं हाई कहता हूँ उतना ज्यादा नहीं है बट यस है जितना भी है, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो खाली लोगों को वो देखने की जरूरत है कि कौन सा सपोर्ट सिस्टम कहाँ पे अवेलेबल है। मुझे जो लगता है कि रविंद्र जी कहीं ना कहीं ना मतलब चीजें हम अपनी तरफ से बना रहे हैं लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं आ रही कि आपको अगर हेल्प चाहिए तो यू कैन कम हियर, यहाँ आके आप चीजों को आप शेयर कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें वो एक ना एक हमें बनाना पड़ेगा इकोसिस्टम लोगों तक पहुंचने के लिए सब चीजों को, मतलब कनेक्शन हमें बिल्ड करने पड़ेंगे सारी चीजों को लेकर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी हम लोग अपने आप को सोचते हैं हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, जबकि रियलिटी में कभी ये पॉसिबल ही नहीं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता वो सब कुछ जानता है। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो सोच है कि हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। दोस्तों हम अभी इतने सेल्फ सफिशिएंट कोई भी आइडियली देखा जाए नहीं है। एक्चुअली उसके लिए ब्रेन पे बहुत काम करना पड़ता है दोस्तों, अपने आप को बहुत आपको ट्रेन करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप जिस तरह की भी सिचुएशन आप उसको टैकल कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी धीरे धीरे, लेकिन आप पहले सबसे पहले आपको एंटर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वहीं से शुरुआत होगी। और हर परेशानी का कुछ ना कुछ समाधान मिल जाता है, जैसे कि दीपा जी ट्राई करती हैं अपने लेवल पे और हम जैसे मान लीजिए टीचर हैं तो हम क्लास में पढ़ा के बच्चों को बताते हैं कि कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, कैसे आप अपने फैमिली के मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, कैसे आपके नेबर में लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक रख सकते हैं, इवन आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं कि वहाँ के लोगों में किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करके कि लोग मेंटली अगर फिट रहते हैं तो एक हारमोनियस सोसाइटी एंड विलेज क्रिएट हो जा सकता है, क्योंकि उसका एक अपना लिंक है। लोग हेल्दी हैप्पी नहीं रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजें जुड़ी हुई ना एक दूसरे के साथ में, सारी की सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है मतलब मेजर इश्यूज कहाँ आते हैं, मतलब बच्चों से चीजें स्टार्ट हो रही है या पेरेंट्स के थ्रू उनको मिल रही है या मतलब माहौल ऐसा है, मतलब आपको क्या लगता है कहाँ से बेसिक रीजन क्या हो रहे हैं ये सब जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह इन सब चीजों के? इसका कोई अगर देखा जाए सिंगल कोई फैक्टर नहीं है जी, अन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर भी करता है। अच्छा। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि अगर 10 लोगों को डिप्रेशन है तो सबका एक ही रीजन होगा कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा। हो सकता है उन 10 में से 2-3 लोगों को फैमिली सपोर्ट ना मिला हो, 2-3 लोगों को जहाँ पे वो काम करते हैं वर्क प्लेस पे सपोर्ट नहीं मिला हो, राइट। जो उनका इन्वायरमेंट है नेबर का, घर के आसपास का, वहाँ पे वो जो चाहते हैं जिस तरीके का सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिल पा रहा हो। और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में जैसे मैंने एक सपोर्ट की बात करी जी, उसके अलावा जैसे कि लोगों का वर्क प्रेशर भी है जो उस चीज को अफेक्ट करता है, फाइनेंशियल इंडिविजुअल कंडीशन है जो उसको अफेक्ट करती है, फिर हमारा जो है किन लोगों के बीच में हम रहते हैं उसका भी अपना प्रभाव। जैसे अभी मान लीजिए मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, जो लोग दीपा जी के आसपास रहते होंगे वो ऑलवेज फील गुड की फीलिंग करते होंगे क्योंकि दीपा हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है ना। अभी आप उन लोगों के बीच में अगर रहते हैं जो कि खाली प्रॉब्लम को एस्केलेट करना जानते हैं, बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि पीपल विल एस्केलेट द इवन स्मॉल प्रॉब्लम इज बिग प्रॉब्लम, वो मतलब वो अपनी कहावत है भाई राय का पहाड़ बना के खड़े हो जाते हैं ना, कि भाई इतनी छोटी सी चीज है उसको हमने इतना दिमाग में उसको पढ़ाया 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 ना, थॉट की सीरीज स्टार्ट करी और फिर वो चीजें इतनी बुरी हो गई। और आजकल जैसे आप देखते होंगे इवन न्यूज़पेपर पढ़िए, कई लोगों से बात करिए तो कहते हैं जी हमारा बच्चा है या हमारा स्पाउस है या हमारा इन लॉज है या कुछ और लोग हैं, वो बहुत से टाइम चाहे वो टीवी देख करके, मोबाइल से देख करके, लोगों की बात सुन करके, ऐसे सीरियल्स एंड गेम्स वगैरह देख करके, वो सब ह्यूमन ब्रेन को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। तो उसका जो अभी मॉडर्न रिसर्च एंड थ्योरीज एंड लोग जो बात करते हैं वो जो ब्रेन ट्रेन की बातें होती है, तो आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, प्रोडक्टिव रहें और नॉट ओनली अपनी प्रॉब्लम्स को आप मैनेज कर सकें, इवन आसपास में अगर कोई आपके रहता है और आप जान जाते हैं कि उसको भी कुछ दुख तकलीफ है तो उसको भी हेल्प करने के लिए आप तैयार रहते हैं कि कर देते हैं।
क्योंकि अभी जो सोसाइटी हो रही है लोग अपने आप में इतना बिजी हो गए हैं कि उन्हें दूसरों के लिए कुछ करने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। नहीं, मौका अगर मिलता है वो करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहती है ना कि मैं क्यों जाऊं भाई, उसको जरूरत है वो आए मेरे पास, ठीक बात है ना। बट वो हाँ, दीपा जी जैसे लोग हो तो देखो सोसाइटी में कितना मजा आया कि ये लोग भी जा करके हाँ जी हम अवेलेबल है, हमसे हम सपोर्ट करेंगे, हम गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों की एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा इस तरह का ऑन कैमरा में कह रही हूँ दोस्तों, अगर इस तरह की कुछ अगर इंस्टीट्यूशन हम लोग बना सकते हैं जहाँ पे लोगों को हेल्प देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको समझाने के लिए, काउंसलिंग देने के लिए अगर कुछ अगर होता है तो, और मेरी कोई हेल्प अगर चाहिए तो प्लीज, जितने लोग अगर देख रहे हो कहीं किसी को लग रहा हो तो यस, आप हमें बिल्कुल उस चीज में ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं समाज में इन सब चीजों को लेकर बदलाव आए। और लोगों में जो आजकल सबसे बड़ी जो मुझे आपने आपसे जितनी बात हुई उससे मुझे यही समझ में आया कि मतलब कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाइड नहीं अपनी अपनी जिंदगी से किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही आप बोले दीपा जी, ये ह्यूमन का जो नेचर है जो हमारा, हाँ मैं कहता हूँ कि जैसे गॉड ने जिस तरीके से हमको प्रोग्राम करके भेजा है आइडियली, वो बहुत टफ है ह्यूमन को सेटिस्फाई करना, बहुत कॉम्प्लेक्स है कि जो कोई कहे कि यस आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, वो या तो कह सकते हैं या वो झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसा पेन है जो उसको छुपाने के लिए अपने आप को ऐसे बोल रहे हैं। एक्सेप्शनल में शायद आपको कोई रेयर टू रेयरेस्ट मिल जाए, अदरवाइज एवरीवन हैव सम सॉर्ट ऑफ। तो हमारे पास ऐसे क्या सुविधा है यहाँ पे, जैसे अगर किसी को इस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं कुछ होते हैं तो जैसे उनके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे अवेलेबल है उस तरह से संस्था या कुछ? हाँ, हाँ। अगर जैसे मैं फिजी वाइड की बात करता हूँ तो फिजी वाइड में आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है जो सेंट जॉन हॉस्पिटल हमारा सुगा में बेस्ड है। ओके, ओके, ओके। इसके अलावा जितनी भी हॉस्पिटल हैं लोटोका एंड सुगा में और इंक्लूडिंग सम अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे जो स्ट्रेस वार्ड है अच्छा। वहाँ पे लोग सुविधाएं ले सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं बहुत है। सारे जैसे एम्पावर पैसिफिक है, मेडिकल सर्विसेज पैसिफिक है, लाइफ लाइन है, वुमेन्स के लिए वुमेन क्राइसिस सेंटर है, वुमेन मूवमेंट राइट्स है, देयर आर सेवरल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे सेंटर होने के बावजूद स्टिल हम लोग वो प्रॉब्लम पे आज भी उसी जगह पे हैं। जी जी, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण ये कि मॉडर्निटी में तो एक अगर कारण, कई कारण हो सकते हैं, उसमें से मॉडर्निटी भी एक कारण है कि हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, लोगों के लिए वक्त नहीं, हमें अपने आसपास भी हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई अगर प्रॉब्लम है उसको लग रहा है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीमार है जो उसे खुद नहीं पता है जी। अगर हम देख पा रहे हैं तो हम उसे, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जाके उसको हेल्प करें कि भैया तुम चलो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। अभी मैं देखे यहाँ पे पीजी में 3 यूनिवर्सिटीज हैं, तीनों यूनिवर्सिटी काउंसलर्स प्रोड्यूस कर रही हैं कि कोर्सेस ऑफर हो रहे हैं, लोग जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ट्रेन हो करके वो स्कूल में है या हॉस्पिटल में है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, कम्युनिटी वर्क में है, वो ट्राई करते हैं क्रिएट करने के। बट स्टिल चूंकि सर्विस प्रोवाइडर्स भी लिमिटेड है, रीचेबिलिटी भी लिमिटेड है, एग्जैक्टली, और अभी भी स्टिग्माटाइज होने की वजह से उनको पता भी होता है कई बार लोगों को कि आसपास में हमारे डॉक्टर हैं, काउंसलर्स हैं, सर्विसेज हैं, फिर भी हेजिटेशन है उसकी वजह से नहीं जा पाते नहीं हैं। कई बार क्या होता है हमारे घरों में भी चीजें होती है, हम लोग उसको शर्म के मारे उसको बाहर लेके नहीं आना चाहते कहीं ना कहीं, है ना। मोस्टली जैसे कि लड़कियां अगर है या मम्मी है कि जैसे कुछ दिक्कत है तो हम सोचते हैं नहीं यार बाहर क्या सोचेंगे कि पागल हो गया है, तो कुछ इस तरह से थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच को भी बदलने की जरूरत है दोस्तों। और जिस तरह से सर बता रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हमें सबको मिलके इस चीज पे काम करना पड़ेगा, कोई एक या दो लोग मिलके उस चीज पे नहीं करें, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों थोड़ी सी चीजें स्टार्ट होती है, थोड़ी सी बढ़ते 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 फिर वो इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है। और दोस्तों ये बहुत सही है, एक बंदा अगर घर में बीमार है ना तो उसके ऊपर उसकी देखरेख करने वाले आसपास के लोग भी बीमार हो जाएंगे, तो वो देखो कैसे नंबर्स कैसे ना बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कंपाउंड हो रही चीजें। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों पर ना काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये हाँ दीपा जी आप बिल्कुल राइट बात बोल रहे हैं कि ये अगर किसी को भी एक आदमी को भी प्रॉब्लम घर में हो जाती है तो क्योंकि पहले तुम छुपाते हैं बाहर वालों को नहीं पता, बाहर अच्छा कोई दिक्कत चलो ये कर देते, अच्छा ये कर देते, फिर क्या होता है उसके साथ रहते रहते हमारे अंदर भी ऑटोमेटिक कुछ चीजें आ जाती है, हमें खुद को पता भी नहीं चलता, हम खुद बीमार हो जाते हैं। इसकी वजह अगर हमें जब पता चल गया, हमने जाके डॉक्टर को दिखाया और चीजें अगर उस तरह से बढ़ी है तो वो मेडिसिन के थ्रू है जैसे भी ठीक हो जाएगा वो, तो क्या बाकी लोग घर के बचे रहेंगे, लेकिन वो हाइड करने की वजह से क्या होता है बाकियों पे भी असर आ रहा है वो चीजें। तो ये अपने आप
में कंपाउंड हो रही है चीजें, तो हम ना दोस्तों समस्या को और ज्यादा बुरा बना रहे हैं। तो इसके ऊपर जरूरत है कि खुल के बोले और बात करें इसके ऊपर। शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, कोई भी नहीं। हर बीमारी की तरह ये भी एक बीमारी है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे एक मॉडर्निटी के साथ साथ लोग जैसे ह्यूमन सीखता है, करेक्ट, और एक दूसरे से सीखता है, वो देखता है कि हमारे ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, फादर को, अंकल को, आंटी को, हाँ, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, उसको डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, या कुछ और मेंटल हेल्थ इशूज है, और वो नहीं जाता है, तो उससे क्या होता है कि लोग देख करके सीखते हैं, निगेटिव चीजें ज्यादा सीखते हैं, पॉजिटिव काम सीखते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि हॉस्पिटल्स हैं, सर्विसेज हैं, लोग जाते हैं, बट जिस क्वांटिटी में लोगों को प्रॉब्लम है उस क्वांटिटी में लोग जाकर के ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, बल्कि वो घर पे बैठ के अपने आप को जैसे अंधेरे कमरे में भी बंद कर लेते हैं, अपने आप को पनिश करने की कोशिश करते हैं, लास्ट में सुसाइड तक चीजें पहुंच जाती है, क्योंकि इतने सुसाइडल थॉट आने लग जाते हैं लास्ट में कि जिंदगी में तो कुछ रखा ही नहीं है। और अगर आप फिजी का डाटा भी उठा के देखें तो एक लेस देन 1 मिलियन कंट्री होने के बावजूद भी पॉपुलेशन यहाँ काफी ज्यादा, सुसाइड रेट काफी ज्यादा है। आज की डेट में कॉलेज गोइंग जो बॉयज एंड गर्ल हैं उनमें भी पाया जाता है। एवरी ईयर अगर आप डाटा पढ़ करके देखें जो पब्लिश बाय मिनिस्ट्री है, जो रिपोर्टेड डाटा है, वो किस तरीके से हम सबके लिए परेशान करने वाले बात है। मैं एक दो इंसिडेंट जैसे चाहूँगा शेयर करना कि लोग जानते भी थे कि सर्विसेज अवेलेबल हैं, स्कूल में काउंसलर है और कुछ भी है, बट बच्चे लोग इतना हिम्मत नहीं जुटा पाए। और वो 16 ईयर की एज में या 18 ईयर की एज में इवन बिलो 20 लोगों ने अपनी लाइफ को एंड कर लिया। और कुछ केसेस में जैसे किसी के पास एक ही बच्चा है, या आज की डेट में बहुत सारे लोग दो ही बच्चे रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है लोग अपना उस तरह से चीजें सोच के। जी महंगाई का तो ठीक है दीपा जी, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हम जैसे इंसान है ना, एक मशीन बन गए हम एक तरह से। हाँ, एक तरह से मशीन बन गए दोस्तों, मतलब इमोशंस खत्म, सब चीजें खत्म हो रही है। इसीलिए जैसे अभी जितना हम मॉडर्निटी के ऊपर ध्यान देते हैं उतना हम अपने जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। जो हमारी मॉरल वैल्यूज की किताबें थी जो पढ़ाई जाती थी हम लोगों को प्राइमरी क्लास स्कूल्स में, वो मुझे लगता है और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे मॉरल वैल्यूज सीखें। अभी मॉरल वैल्यूज नहीं होने की वजह से आप देखिए कि जो एज्ड केयर होम है या गोल्डन एज होम है, वहाँ पे क्यों पेरेंट्स वहाँ पे पड़े हैं, छोड़ दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं से है कि हम एक फायदा हाँ एक कह सकते हैं, लोग बोलते हैं बताते भी कई जगह से ये ठीक भी है कि घर पे शायद उतनी अच्छी केयर नहीं हो सकती, तो इसलिए हम वहाँ कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि जिस तरीके से हम जब छोटे होते हैं हमारे माँ बाप कितना हम ध्यान देते हैं, कभी ये नहीं कहते कि हम अपने बच्चों को किसी ऐसे केयर होम में छोड़ कर के आ जाते हैं। इवन थोड़ी देर टाइम के लिए देखिए कि स्कूल भी बच्चा जाता है, माँ बाप का ध्यान लगा रहता है और उसको पिक करने के लिए जाते हैं, खुशी खुशी से लाते हैं, उसका इतना देखभाल करते हैं, इतना सेक्रीफाइस जब हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों के लिए किया है, तो वो इनबिल्ट होना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ, पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ऐसे संस्कार होंगे तो वो चूंकि देखेंगे ना, गिव एंड टेक की भी अगर हम बात करते हैं ना, साइंस में एक्शन का रिएक्शन है, तो वो उसका भी एक रिएक्शन है कि माँ बाप ने हमारे को इतने अच्छे से देखभाल किया है, तो व्हाई नॉट वी आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, ना, तो वो भी कर सकते हैं। और इसकी वजह से जैसे और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं कि हमारा एडजस्टमेंट लेवल थोड़ा इस तरीके से, क्योंकि हम मॉरल वैल्यूज सीख नहीं पाते हैं, तो एडजस्टमेंट में हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। छोटी छोटी बातों पे अगर आप देखेंगे कि सेपरेशन हो जाता है जी। सिंगल पेरेंटिंग्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम है इधर फिजी में, अगर आपका भी न्यूज़पेपर तो मतलब पूरी सोसाइटी की नींव हिल रही है एक तरह से, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि मतलब कहीं ना कहीं, मतलब जो एक बना हुआ जो स्ट्रक्चर था इस सोसाइटी को चलाने का ना, कि वो कहीं ना कहीं हिल रहा है। मैंने भी जैसे बहुत ज्यादा देखा है, मतलब सेपरेटेड है, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, वो सब कर रहे हैं सब चीजें, तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी तो वो प्यार नहीं
मिल पाया ना, वो दोनों तरफ का वो एहसास ना जो उस बच्चे को होना चाहिए, जो उसकी ग्रोथ में उसके विकास में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जब बड़ा होगा, तो उसको तो उन सबसे महरूम किया। फिर कल को उसी बच्चे को डिप्रेशन आती है तो हम उसको किस मुंह से हम कहेंगे कि तुम्हारी गलती है। और उसका एक और बड़ा रूप अगर आप देखें पिछले 20-30 साल का अगर डाटा, जिस तरीके से इसका ट्रेंड बढ़ा है और क्रेज बढ़ा है, कि मैं क्रेज इसलिए बोल रहा हूँ कहना तो नहीं चाहिए, बट चूंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे को रोल मॉडल मानते हैं। अच्छा। अगर एक लेडी सेपरेट हो गई है अपने हस्बैंड से ड्यू टू जो भी रीजन, जो भी रीजन रहा हो, तो वो मोटिवेट करती है और लोगों को, तुम भी अकेले रहो, इफ आई कैन मैनेज यू कैन मैनेज, एंड इसे ट्रेंड लाइक बहुत सारे लोग वो जा रहे हैं, बट उसका जो ड्रॉबैक ज्यादा डीपर है जो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं तो वो अब्यूज्ड होते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर आप देखते होंगे कि स्टेप मदर स्टेप फादर है वो अब्यूज करते हैं, और उसके बाद जब वो बच्चा और बड़ा होता है क्योंकि वो अब्यूसिव इन्वायरमेंट में रहा होता है तो उसको ट्रोमेटिक बहुत सारा ट्रोमा झेलना पड़ता है, और वो वही रिपीटेड एक्शन बहुत से टाइम अगर वो ट्रीटेड नहीं हुआ है टाइमली एंड प्रॉपरली तो बच्चा खुद भी वैसे करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस वो लर्न ही उसे वही किया ना, कि तुमने मुझे अब्यूज किया था या मेरे पेरेंट्स ने मुझे, दिस इज द नॉर्मल थिंग फॉर हिम, उसे जैसे जो देखा वो सोच रहा बस यही करना है मुझे भी, यही करना, ओह माय गॉड, जिसकी वजह से आज आप देखिए अब्यूज के केसेस और वायलेंस के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, हां ड्रग्स के केसेस और लोग स्मोकिंग है एल्कोहल है और वो सब इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसको वो कंड्यूसिव जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, और उसके पीछे शायद एक ये बड़ा कारण है। फास्ट हम लोग एक दूसरे से जॉइंट फैमिली सिस्टम को न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, और अकेले अकेले की लाइफ जीने के चक्कर में तो देखते हैं कि हमारे आसपास पब्लिक है बट कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, मतलब एक तरह से ऐसा हो गया कि भीड़ में रह के भी हम लोग अकेले हैं। हाँ, दीपा जी आई हो आप गाने के शौक है तो गा भी सकती है, छोटा सा गाना कि वो किसी ने गाया था कि हर तरफ हर जगह, प्लीज आप गाइए मैं सुनने बिल्कुल जी हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी सही बात है। वैसे ये मतलब दोस्तों ऐसे तो उन्होंने चलो हंसी मजाक में सब चीजें बोल, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी त्रासदी आज की, मतलब ये बहुत दुख की बात है कि इतनी सब चीजें समाज में हो रही है और कहीं ना कहीं ना हम कुछ कर भी नहीं पा रहे उसके लिए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं इन सब पे, मतलब कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ रही है, सुरसा की तरह जैसे मुंह नहीं खुलता जा रहा है, वैसे ही समस्या एक से शुरू होती है लेकिन वो बहुत सारे रूप बदल लेती है उसके बाद में, और वो कहीं ना कहीं पूरे समाज की नींव को हिला रही है दोस्तों, ये मतलब बहुत बड़ी। तो सर आप कुछ इस पे सजेशन या कुछ बताना चाहेंगे, समाधान क्या करें हम लोग? समाधान जो मुझे लगता है वो एटलीस्ट जो लोग अभी तक अफेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, बट अपनी कमिंग जनरेशन को उसको अच्छी गाइडेंस आप दे सकते हैं, एटलीस्ट फैमिली की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रोटेक्शन के लिए भी कि भाई कोई ना कोई घर में रहता है, क्योंकि आप देखते हैं कई बार लोग आके अगर कोई घर में अकेले है तो मर्डर कर देते हैं, एब्यूज कर देते हैं बहुत, और घर में अगर दो चार और लोग रहते हैं जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम रहा है उसमें प्रोटेक्शन उनको काफी ज्यादा मिल जाता है कि कोई ना कोई देखभाल कर लेता है, और हम अपने जो भी नेबर है अड़ोसी पड़ोसी हैं अगर हम उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं। मैं ये भी जानता हूँ देखता हूँ कि कई बार हमारा पड़ोसी सामने वाले घर में रहता है मिस घर में वो भी काम से हेलो हाय तो उसको भी फर्क नहीं पड़ता, तो आपने हेलो नहीं किया तो वो भी हेलो नहीं किया, तो इसलिए एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़ के लोगों को एक दूसरे को बोलना चाहिए हेलो कैसे है आप ना हाउ आर यू ऑल इज वेल या कुछ कैसे कुछ थोड़ा सा, मतलब अपनी तरह से इनिशिएट करना पड़ेगा हमें, इनिशिएट कि मतलब कहीं ना कहीं लोग अपना को लोनली नहीं फील करे, मतलब वो जस्ट आमने सामने रह रहे हैं लेकिन बगल से रोज निकल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं एक दूसरे के बारे में कुछ भी। अभी मैं एक बेस्ट एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि जितने सिंगल पेरेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे फीजी में अक्रॉस द ग्लोब, उनके लिए एक लर्निंग है, क्या लर्निंग है कि वो जानते हैं उनको कितना दुख हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है ना, और कई बार जैसे फीमेल की कंडीशन में
एब्यूज भी लोग करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो किसी रेफरल से किसी थर्ड पार्टी के कहीं जॉब पे भी गए, तो लोग ये देखते हैं कि भाई अगर वो यंग है ना और सेपरेटेड है, उसको उन सब चीजों से बचा जा सकता है कि एटलीस्ट आप एक चीज दे सकते हैं कि अपने जनरेशन को, आगे वाली जनरेशन को, कि वो ऐसा क्या करें, क्या एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में करें, किस तरीके के लर्निंग एनवायरनमेंट को डेवलप करें कि हम एक साथ रहने की कला को सीख सकें। और वो नहीं होगा तो देखिए डे बाय डे जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप बोले सर्विसेज हैं, तो चूंकि उनको हेजिटेशन है, उनको शर्म भी है, उनको ये लगता है कि मैं किस मुंह से जाऊं वहाँ पे देखने के लिए, बात करने के लिए, या कैसे मैं अपने, मैं एक रियल स्टोरी बता सकता हूँ कि कुछ केसेस में जैसे मैंने बोला कि आपको अगर आपके बच्चे को तकलीफ है, मान लीजिए वो डिप्रेशन में है, तो आपको ले जाना चाहिए एक डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वो नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि कल को लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मैं सेपरेटेड हूँ, मैं खुद ही डिप्रेशन में थी, मैं अपने, आजकल तो ये होने लगा कि मेरे बच्चे से ज्यादा तो दर्द दुख मुझे है। इवन हस्बैंड वाइफ के केसेस में कभी कभी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखा कि वो हस्बैंड कहेगा मैं ओवर बर्डन हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, वाइफ उधर से बोलेगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, और उन दोनों को ये दुखी वाली जो बात है क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चे को वो अडॉप्ट करने लगे, मैं भी बहुत दुखी हूँ, इसलिए दुखी हूँ, मैं स्कूल जाके दुखी हूँ, मैं काम करके दुखी हूँ, आप एक गिलास ट्रॉमा मांग के, ट्रॉमा बच्चों ने आजकल नया वर्ड सीखा ट्रॉमा, मतलब एक्चुअल में, मतलब ये बात भी, सब चीजें सही कह रहे हो आप कहीं ना कहीं, माय गॉड, तो मतलब सिचुएशन काफी खराब है, जल्दी से जल्दी हम पे, हमें इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है ताकि समाज में हम लोग जब कुछ चेंजेस, जी मैं कहूंगा अपनी सोच को बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक अगर हम ये ना सोचे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं ओवर स्ट्रेस हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप अगर ऐसी सोच में ही रहे, हो सकते, मैं नहीं कहता नहीं हो सकते, ये है फैक्ट रहता है, बट कैसे इसको और बेटर बनाया जा सकता है कि अच्छा आपसे बात करके, चलो वाइफ है, हस्बैंड है, अच्छा आई कैन अंडरस्टैंड, लेट्स सपोर्ट ईच अदर, लेट्स वर्क टुगेदर ना एक दूसरे का, तो उससे क्या होगा, हम अपने बच्चों को भी ये तो बता सकते हैं, लेट्स सपोर्ट ईच अदर, वर्क फॉर एटलीस्ट दे लर्न दिस थिंग, हाँ, अदरवाइज जब वो दोनों लड़ते रहेंगे, मैं दुखी हूँ, मैं क्यों करूँ, वो कहेगा मैं दुखी हूँ, मैं क्यों करूँ, तो बच्चा वो सीख लेता है कि वो अच्छा दुखी होने से, दुखी होने से क्या होगा, हमें काम नहीं करना, बहाना बना लो कि भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा ये हो रहा है, उस चक्कर में वो निगेटिव चीजें बहुत फास्ट सीख लेते हैं। इसलिए आज आप देखिए कि पेरेंट्स को देखभाल करने की बजाय क्या सीख रहे हैं कि नहीं उनको अलग से उनको छोड़ दो, उनका खर्चा पानी देते रहो और फिर लेकिन खुद सुखी से जी, नहीं तो वो भी नहीं देते हैं, वो भी नहीं देते, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं ना, तो अभी देखिए सीख का असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पे जाके अगले 20 साल बाद में, 30 साल बाद में, वो धीरे धीरे वो जो बोए हुए बीज हमारे, वो सामने हमारे आगे आ रहे हैं, आप देख लीजिए कि किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, लोग जाते ही नहीं है, बहुत हार्डली जाके कोई किसी के साथ खड़ा होता है, एक्सक्यूज मी, अभी आप कविता वाला जैसे उधर गोष्ठी था जी, कविता गोष्ठी उसमें देखिए कितने कवि और कितने, जबकि उसका इतना वाइड लेवल पे प्रचार प्रसार या हम कुछ लोग करते हैं जी। क्योंकि वो अच्छी चीजों में इंटरेस्ट लोगों के कम है, अभी आप वहीं पे कोई फ्री में ड्रिंक वगैरह का प्रोविजन कर देते और कहते कि खाने के साथ ड्रिंक भी है, आप देखते कि वहाँ कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे कामों के लिए, क्योंकि वो ह्यूमन का जो हमारा माइंड है ना, वो थोड़ा ग्रीडी टाइप का, और अच्छी चीजों में उसका ध्यान कम, बुरी चीजों में ज्यादा लगता है, और वही शायद एक बड़ा रीजन है हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने का, और सभी लोग कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हैं और सफर कर रहे हैं।
दोस्तों बहुत सारी चीजें बताई है प्रजापति जी ने, मतलब काफी सारी चीजों को लेके डिटेल में इन्होंने डिस्कस किया और एक एक छोटी से छोटी चीजों को कोई रिलेट कर सकते हैं दोस्तों रिलेशन, क्योंकि जैसे हमारे घरों पे जो हम अपने बच्चों के साथ में जो बिहेव करते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में जो चीजें होती है, या फिर हमारी फैमिली में किस तरह से चीजें आसपास कैसे चीजें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। और जिस तरह से इन्होंने डिटेल में बताया दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो आप अपने लाइफ में भी कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक ऐसा मौका आ चुका है कि हमें सचमुच इस पे काम करने की आज जरूरत है, और इनसे जो बात करके मुझे कहीं ना कहीं लगे, मुझे जो समझ में आया सर आपसे बात करके, कि हमें अपने ब्रेन को ना प्रोग्राम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले हमें रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। जब हम इसके लिए काम करेंगे तो लोगों को काउंसलिंग करना, उसमें जैसे सब तरह की चीजें आ सकती है दोस्तों, उनको काउंसलिंग करना, कुछ अच्छी बातें करना, मॉरल वैल्यू उनको सिखाना, चाहे वो स्कूल में जाने वाले बच्चों उनके लिए भी कुछ लेसन, जैसे उनका डे स्टार्ट होने से पहले कुछ मॉरल चीजें उनके साथ शेयर हो, तो क्या उनके दिन की शुरुआत ही अच्छी होगी। हम अपने घरों में भी ये सब चीजें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने ना जो हमारा जो ये जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल हमारा, उन सब में हमें बदलाव लाने की जरूरत है। इनिशियल लेवल पे हम लोग ये कर सकते हैं, उसके बाद में जो जितनी चीजें हो चुकी है उन सबको मिलके दोस्तों हम सबको ठीक करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाना कि कहीं ना कहीं हमें अपने इस देश को बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आंकड़े हैं कि मतलब पूरे संसार में टॉप पे सुसाइड में बहुत बहुत मतलब बहुत दुखी होने वाली बात है दोस्तों। हमें इस चीज़ पे काम करने की जरूरत है। तो सर आपसे मिलके और इतनी सारी बातें करके मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ ये इतनी सब चीजें भी गहराई में पता चली जो मैं चाहती थी हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझे और जाने। तो दोस्तों आप सब में से कहीं पे अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप सर से जरूर आके कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका समस्या नहीं का समाधान नहीं है, हर समस्या का समाधान है। जस्ट आपको एक स्टेप आगे बढ़ के हेल्प एंड सपोर्ट सीक करने की जरूरत है, बस उतनी से जरूरत है। दूसरा आपको झिझक मिटानी है, बस उन झिझक को खत्म कर दो, बस फिर देखो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए क्या होता है दोस्तों, एक्सेप्टेंस, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है, उसके बाद तो आगे चीजें बढ़ेंगी ना। अगर हम उस चीज को डिनाई करते रहेंगे तो चीजें कैसे ठीक होंगी, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। थैंक यू सो मच बेबाक बातचीत शो का हिस्सा बनने के लिए, और मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा। आप ऐसे ही शो को जारी रखिए, नए नए लोगों को बुलाते रहिए और समाज में अच्छा मैसेज देते रहिए जी, और हमारे बेस्ट विशेस है आपके लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यही था आज हमारा बेबाक बातचीत शो, जिसमें आप सबके साथ में हमने ढेर सारी बातें करी हैं। दोस्तों अगर आप भी इस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हो, आप भी चाहते हो बेबाक बातचीत शो में आने के लिए, तो यस दोस्तों नीचे आप देख सकते हो मैंने हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ सॉरी दोस्तों हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो। तो यस दोस्तों आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, और यस आपकी स्टोरी में दुनिया के सामने साझा करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो यस अपना ध्यान रखना, खुश रहना, एंजॉय करना, एंड वॉट यस मस्ती तो करनी ही है, एंड वॉट यस लव यू ऑल, टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल, लव यू, बाय बाय दोस्तों।